हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें आप देख ही रहे हैं कि पीछे है एक्सरसाइज लिखा हुआ 1.4 ML अग्रवाल बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का जो कंसेप्ट है, जो फार्मूलाज हैं, वो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि आपने सबने वो वीडियो देख लिया होगा, सारा कंसेप्ट समझ लिए होंगे, सारे फार्मूलाज अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि कौन सा फार्मूला किस तरह से आप डिराइव कर सकते हो। डेरिवेशन भी समझनी ज़रूरी है, कहीं इन केस अगर आप एग्ज़ाम में जाके फार्मूला भूल जाते हो तो कम से कम आप उसको निकालना तो आपको आता हो, तो उसके लिए अगर आपने कंसेप्ट समझा हुआ है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको निकाल सकते हैं। और अगर कंसेप्ट नहीं समझा है तो भाई समझ लो पहले। समझने के लिए मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, देख के फार्मूला समझ के फिर इस वीडियो पर आइए ताकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि जो बेनिफिट आप लोग उठा पा रहे हैं वो बेनिफिट उनको भी मिल सके। तो दोस्त हैं आपके तो शेयर करना आपको बनता है। और हाँ, अगर कुछ आपको लगता है कि और आपको सजेशंस हैं, कुछ और हम इसमें सुधार कर सकते हैं, तो उस सजेशन के लिए भी आप सबका हमेशा से स्वागत रहा है और आगे भी स्वागत रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो एक्सरसाइज हमारी ML अग्रवाल से है 1.4। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द वुमेन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आर। एक वुमेन की जो स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर वो आपको दे रखी है 8 किलोमीटर पर आर। तो यानी यहाँ पर अगर आपने कंसेप्ट सारा समझा हुआ है पिछली वीडियो से तो आपको पता है कि जो स्टिल वाटर की स्पीड होती है उसको हम कंसीडर करते हैं x। तो x की वैल्यू आपको दे दी है यहाँ पर 8, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब हो गया y, तो y की वैल्यू दे दी आपको 4। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय वूमन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है यानी फ्लो के अगेंस्ट जाना है तो आपको टाइम कितना लग रहा है ये हमें बताना है। तो डिस्टेंस तो आपको दे रखा है, देखो कि अगेंस्ट द स्ट्रीम आप जा रहे हो तो 16 किलोमीटर जाना है। टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, स्पीड चाहिए। स्पीड किसकी चाहिए, अप स्ट्रीम की स्पीड चाहिए। अप स्ट्रीम की स्पीड को हम डिनोट किससे करते हैं, वी से। तो वी का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला था ना वी का अप स्ट्रीम स्पीड का। तो एक्स हमारे पास कितना है 8, तो यहाँ से 8 माइनस 4 आपके पास आ गया 4 किलोमीटर पर आर, ये आ गई अप स्ट्रीम की स्पीड। और जो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 16 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस 16 है, स्पीड 4 है, 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 आवर्स। तो 4 घंटे के अंदर ये डिस्टेंस जो है आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में अब आपको यहां पर दिया हुआ है, द मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आर। अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आर है। अप स्ट्रीम का मतलब हो गया वी, ये आपको दिया हुआ 6। एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आर, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया यू, ये भी आपको दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब आपको y निकालना है, स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर मतलब आपको x निकालना है। तो x या y निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, x का फार्मूला होता है u प्लस में v डिवाइडेड बाय 2। तो u हमारे पास 10 है, ये 6 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 16 बाय 2, यानी आ गया आपके पास 8। तो 8 की आ गई आपके पास स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ये आपको दे आ गया आंसर 8 किलोमीटर पर आर। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे मतलब आपको y फाइंड करना है। y फाइंड कैसे करेंगे, u इसका फार्मूला होता है u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। u की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 बाय 2। 4 बाय 2 का मतलब आ गया 2। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपके पास क्या बन गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये आ गया आपके पास 2 किलोमीटर पर आर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहें, ठीक है, स्क्रीनशॉट जहां भी आपको ज़रूरत लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। थर्ड में कहता है, इन टू आवर्स ए बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए रिवर डाउन स्ट्रीम एट 17 किलोमीटर पर आर एंड रिटर्न बैक एट 9 किलोमीटर पर आर। सेम वही पिछले क्वेश्चन की तरह आपको यहाँ पर यू दे दिया और यहाँ पर ये वी दे दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब आपको वाई फाइंड करना है, तो ये मुझे क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था वाई, उसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर भी अगर ना निकले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर देखते हैं इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर, कहता है बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट कर दिया गया है। यहाँ पर जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। अब जो फार्मूला हमने सारे किए, उस फार्मूला में मैंने बताया था कि वो फार्मूला भाई उनके लिए हैं जिसमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का डिस्टेंस सेम रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम उन फार्मूला से डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसको हम यूजुअल मेथड से करेंगे, ठीक है। 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है, इन 5 आवर्स ईच टाइम। दोनों का जो टाइम है वो आपको 5 घंटे दे रखा है, तो दोनों की स्पीड हम निकाल लेते हैं। तो स्पीड दोनों की हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो है 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है, 5 आवर्स। तो यू की वैल्यू आ गई आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब आपको वी की वैल्यू दे दी यहाँ पर 20/5, ये आ गया आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। द फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, तो इसका फार्मूला तो हमारे पास अभी अभी हमने किया है, वही फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो 6+4 आप करोगे यहाँ पर, एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6+4 यू प्लस में वी डिवाइडेड बाय 2। 10/2 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये भी आपका ऐसे ही निकल गया। तो 6-4/2 ये आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा इसी तरीके से हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की हमें जो डिस्टेंस अलग अलग दिया था, ये दोनों की स्पीड निकालने के लिए दिया हुआ था, तो उससे हमने स्पीड यहाँ पर निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो हमारे पास है, यस, यहाँ कहता है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट इन द वाटर इज 25:4। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर मोटर बोट की स्पीड, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एक्स से। एंड दैट ऑफ द करंट इन द वाटर इज 25/4 और स्पीड ऑफ करंट हम डिनोट करते हैं वाई से। तो ये हमारे पास रेशो दे रखी है 25/4। द मोटर गोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स 15 मिनट। जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो जो टाइम लगता है हमें वो कितना दिया हुआ आपको, 5 आवर्स एंड 15 मिनट। तो जो T1 की वैल्यू है, डाउन स्ट्रीम का टाइम को हम T1 से डिनोट करते हैं, तो ये आपको दिया हुआ 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो आप इस सारे को या तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लो या सारे को या आप उसमें कन्वर्ट कर लो, आर्स के अंदर किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो 5 आवर्स का मतलब हो जाएगा, एक आर के अंदर अगर 60 मिनट होते हैं तो 5 आवर्स का मतलब हो गया 300 प्लस 15, यानी आ जाएगा 315 मिनट्स, अगर हम सबको मिनट में कन्वर्ट कर लें। आर में कन्वर्ट करना चाहो आर में भी कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक पूछता है आपसे, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, तो उसे वापस आने में कितना टाइम लगेगा। वापस आने का मतलब है कि अप स्ट्रीम का ये डिस्टेंस पूछ, अप स्ट्रीम की टाइम पूछ रहा है ये कि वापस आने में कितना आपको टाइम लगने वाला है। तो अप स्ट्रीम का टाइम निकालने का मतलब है T2 की वैल्यू ये पूछ रहा है। अब यहाँ से हमें T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं जिसमें T1 और T2 और XY में एक रिलेशन होता है। एक फार्मूला होता है हमारे पास X/Y T2+T1/T2-T1। तो यहाँ T1 T2 आपको दो बार रखना है, T1 या T2, और ये तो हमें निकालना है। तो इस फार्मूले की जगह हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जिस फार्मूले में होता है यहाँ पर T2/T1
इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। अब टी टू तो आपको फाइंड करना है, टी वन की वैल्यू आपके पास है 315, एक्स और वाई की वैल्यू यहां से लेंगे क्योंकि रेशो आपको दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 25 के और वाई की वैल्यू रख लेते हैं हम 4 के। रेशो में जब दिया होता है इस तरीके से निकालते ना वैल्यू हम। अब आप टी टू की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 315 को इधर ले जाते हैं, इधर आ गया इनटू में आपके पास 29 के डिवाइडेड बाय 21 के, के से के कैंसिल, 5 से इसको काट के देखो 15 पे ये कैंसिल हो गया, 15 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 9 जा 135 कैरी किया हमने 13, 15 2 जा 30 43, तो 435 हो गए मिनट्स। अब जो टाइम आपको 5 आवर्स इस तरह से दिया हुआ था तो इस टाइम को भी आप आर में कन्वर्ट कर लो। आर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 60 से, तो 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम कितना बन जाएगा, 5 से इसे काट लेते हैं, 5 15 15 से कट जाएगा, 15 से कटेगा कितने पर, ये कटेगा 29 पर और 15 से ये कटेगा 4 पर, तो 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24 प्लस में 5, तो ये बन गया आपके पास टाइम 6 आवर्स। और जो 5/4 है इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, 4 से अगर हम काटेंगे ये तो 7 पे चला जाएगा, ये 4 7 जा 28 तो ये आ जाएगा 7 आवर्स। और जो 1/4 है इसको हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कहता है कि एक बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग टाइम दे रखे हैं। फिर आगे कहता है आल्सो इट वाज 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। आगे भी डिस्टेंस आपका यहाँ पर चेंज कर रखा है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये उस फार्मूले से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। अब यहाँ पर आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला जो केस है उसके अंदर क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 6 घंटे के अंदर। तो 6 घंटे के हिसाब से हम यहाँ पर दोनों की पहले निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं दोनों का। अगर हम मान लेते हैं कि हमारी जो स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर एक्स है और स्ट्रीम के अंदर हमारी वाई है, तो जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है या अपस्ट्रीम स्पीड होती है उसका फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाती है हमारी x प्लस वाई किलोमीटर पर आर, और अप स्ट्रीम स्पीड बनती है x माइनस वाई। अब पहले वाली कंडीशन में अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम का कितने घंटे में और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, दोनों का टोटल टाइम दे रखा है इसने 6 आवर्स, तो हम इसका टाइम निकालते हैं। डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम का टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 22 किलोमीटर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ये आ गया हमारे पास डाउनस्ट्रीम टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम टाइम निकालेंगे ये आ जाएगा आपके पास 20 अपॉन में एक्स माइनस वाई, और ये दोनों टाइम मिलाकर हमारे पास 6 आवर्स के बराबर है। ये हमारे पास बन गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में आप जाते हो 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, तो 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब यहां से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ये यहां पर आपको टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स। तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है जैसे आप 10th क्लास में करते, तो अगर याद आया हो तो। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें,
एक तरीका तो होता है कि इसको हम लेट करके चलते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू यू, वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वी, ऐसा आप करते थे 10th क्लास तक, पर मैं ऐसे नहीं करवाने वाला हूँ आपको, मैं डायरेक्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। डायरेक्ट भी हमें करना सीखना है, क्योंकि दोनों में यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर सेम है, चाहे आप ये वाला केस लो चाहे ये वाला केस लो, आपको कोफिशियंट सेम करना है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए। तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा 66, ये आ जाएगा 60 और ये आ गया आपके पास 18। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड वाली को, तो ये भी 66 अपॉन में x प्लस वाई आ गया, और इसको 2 से करेंगे आ जाएगा 50, और इसको 2 से किया ये आ गया 16। साइन कर दो आप चेंज, तो देखो ये वाली टर्म हमारी सारी कैंसिल हो गई, हमारे पास यहाँ बचा 60 माइनस 50 यानी 10 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसको आप इधर ले जाओ, 2 को नीचे लाओ, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। अब ये x माइनस वाई की वैल्यू उठाकर सीधा पुट कर दो आप फर्स्ट में, तो ये आ गया आपके पास 22 अपॉन में x प्लस वाई, 20 अपॉन में x माइनस वाई, x माइनस वाई मतलब 5 इज इक्वल्स टू 6। 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 2, और यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली, ये आ जाएगी 11। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम बड़े इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, यहाँ से कैंसिल, ये आ गया आपके पास 2x इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू आ गई 8। और x की वैल्यू अगर 8 है उसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जो बोट है, बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर वो 8 किलोमीटर पर आ रहा है, और करंट की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, तो 7th क्वेश्चन के अंदर यहाँ कहता है बोट गोज, ए बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का एक घंटे के अंदर वो कवर कर लेती है, यानी अपस्ट्रीम की स्पीड आपको यहाँ से मिल गई, यू आपको मिल गया 4 अपॉन 1, यानी 4 ही आ जाएगा। एंड कवर द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम का मतलब है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको मिल गई, ये सॉरी अपस्ट्रीम थी, तो इसको हम वी से डिनोट करते हैं, एक्स से, यू से नहीं। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, इसको वी से डिनोट करेंगे और डाउन स्ट्रीम को डिनोट करेंगे हम यू से। तो यू में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो अभी भी 4 है। टाइम कितना लगा, 40 मिनट्स। जो टाइम आपको 40 मिनट्स ये दिया हुआ है, इस 40 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 40 अपॉन 60, यानी 2 अपॉन 3। तो यहाँ आएगा आपके पास 2 अपॉन में 3, ये 3 आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये कैंसिल, ये 3 ऊपर शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा 6। तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई और ये हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड आ गई। अब आगे क्वेश्चन में कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर स्टिल वाटर। अगर 10 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है तो कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम कितना लगेगा। तो स्टिल वाटर की आपको स्पीड चाहिए, अब स्टिल वाटर की स्पीड मतलब आपको एक्स चाहिए, तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यू प्लस में वी अपॉन में 2। तो यू की वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आ गया आपका 5। ये स्पीड आ गई आपकी स्टिल वाटर की, और टाइम डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी 2 घंटे का टाइम लगेगा ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
8th क्वेश्चन में कहते हैं मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो ए डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। यानी अगर हम स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाते हैं, अगर पानी के फ्लो के साथ साथ हम चलते हैं तो पानी भी अपनी स्पीड दे रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है, तो उसके जितना भी टाइम लगता है हमारे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाने में जितना भी टाइम लगता है, अप स्ट्रीम जाने में उसका ट्रिपल टाइम लगता है। थ्राइस का मतलब ट्रिपल टाइम, तो सॉरी ट्वाइस दे रखा है, थ्राइस नहीं दे रखा, तो उसका डबल टाइम लगता है। तो यानी अगर डाउन स्ट्रीम टाइम हम ले लें, जिसको हम डिनोट करते हैं T1 से, तो अगर हम T1 की वैल्यू ले लें K, तो T2 हमारे पास क्या बनेगा, T2 बन जाएगा 2K, डबल टाइम लगेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x और y की रेशियो निकालनी है। अब x और y की रेशियो निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला था x y का, वो क्या था, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 प्लस T1, सॉरी ऊपर T2 प्लस T1, नीचे T2 माइनस T1, यही फार्मूला था ना। चेक कर लेते हैं एक बार, फार्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए, फार्मूले गड़बड़ नहीं होने चाहिए। तो T2 की जगह आपके पास है 2K प्लस में K, नीचे 2K माइनस K, तो ये आ गया हमारे पास 3K, नीचे से आ गया K, K से K कैंसिल, तो X और Y की जो रेशो है वो आ गई हमारे पास 3:1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप कंसेप्ट को समझ चुके हैं ना तो इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आपको लगना नहीं है। यहाँ तो हम फिर भी समझाने के लिए स्लो स्लो कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगना। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 में भी कुछ कुछ ऐसा ही है, कुछ कुछ क्या कुछ कुछ है, देखो ये बोट टेक्स थ्राइस, वहाँ ट्वाइस था, यहाँ थ्राइस है, ये डिफरेंस है, सेम चीज़ है। एज टू गो अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट एज द रिटर्न डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का टाइम हमेशा कम रहेगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम अगर आप ले रहे हैं यहाँ पर x या k ले लेते हैं, और अप स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा 3 times यानी 3K। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5 km/h, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y की वैल्यू आपको दे रखी है, बस क्वेश्चन में इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर y दिया हुआ है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी x आपको फाइंड करना है, फार्मूला तो वही रहेगा, x अपॉन y इक्वल्स टू T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो यहाँ पर आपको x निकालना है, y दिया हुआ है 5, T2 आपके पास है 3K प्लस में K, नीचे आ गया 3K माइनस K, 5 को आप इधर ले जाओ, 3K प्लस में 1K 4K डिवाइडेड बाय 2K, इससे कैंसिल हो गया 2 पे, तो 5 × 2 = 10, ये आपका आंसर आ गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10 km/h। फाइनल जब आंसर आप करोगे तो यूनिट ज़रूर आपको मेंशन करनी है, यूनिट को छोड़ना नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने आज के इस वीडियो में कर लिए हैं, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अभी ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, 17 क्वेश्चन है, तो बाकी के जो इसके 8 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।